साढ़े वजीरे आजम साहब जड़े अदब के नाल शगफ रखते ने जिनी उन्होंने जरूरत होंगी उन्हें उन्होंने शेर लोगों के याद किए ने रटे हुए ने। कंगनपुर के सारे ही लोग बैठे रहे आखिर तक, एक भी बंदा उठ के नहीं गया। बहुत ही अच्छा वो मशायरा रहा, फुलों की बारिश कर दिती, पंडा दियाँ पंडा उन्होंने। दर्जा बंदी तो कोई यकीन नहीं रखता, लेकिन दर्जा बंदियां वेखियां ने, ग्रोह आते ने, ग्रोह पाते ने, मिल के आते ने, और उन्होंने जरा तैया किया हों कि असी दूजे का शेर कि भी चंगा हो चंगा नहीं कहना, वो वाह वाह नहीं कहने। साढ़े बंदे ने जोड़ा शेर पढ़ना उन्होंने ही असी दाल देनी है, वह चाहे जो जहा भी हो। और फिर वो अपना शेर पढ़ के अपना सुना के शेर तो फिर वो सारे के सारे चले जाते हैं। ये अपना काबिल अफसोस चीज़ है, और इस चीज़ की सानू लोगों निंदा करनी चाहिए। नौ क्लासिक जो शायर ने उन्होंने बारे कुछ सुनना चाहवागे कि ताकि साढ़े नौजवान नसल में साढ़े लोगों को पता चले कि यह जो शायर ने बड़े उच्चे ने, उन्होंने सुनना चाहिए। उन्होंने नाँ नहीं दस सकता और ना ही चंगी गल है, ये साढ़ा अदब तो ना ही साढ़ा दीन यदि इजाजत देता किसी को पंडिया जाए। जी आम जी गल की है कि जो साढ़े माशरे का आम रवैया हैगा वो तुहानू सारयां नू पता, उहदे ते किसे दा नां लैण दी लोड़ कोई नहीं। अच्छा, कईआं ने ते थब्बियां थब्बे किताबां लिखियां ने जी, ते क्या किताबां लिखण नाल शायर बनदा है या उह दे अंदर उहदी शख्सियत दसदी है कि शायर है, उहदी जुबान दसदी हुंदा शायर है, या उहदा करैक्टर और किरदार दसदा है कि उह शायर है? पैसे के जोर से डिग्रियां भी तुहानू मिल सकदियां ने और तुहानू किताबां भी लिखियां लिखाईयां मिल सकदियां ने। और मैं ऐसे लोगों नू जानना वा जिहदे विच ज़्यादातर फीमेल ने कि जिहड़ियां मशहूरी दी खातर और झूठी इज्जत शोहरत दे लई वो लोगों को कलाम लिखवा के पैसे दे के या किसी होर तलक दे नाल वो अपना शायरा बनिया हुई ने। मर्द भी हैगे ने जिहड़े शायर बने हुए ने, और साढ़े जिहड़े दोस्त भी हैगे ने और शायर भी हैगे ने कि जिहड़ा अपना जिहड़ा कलाम वेचदे ने। इन्होंने मैं मुखलस ही वेख्या है, ये गुरबत की जिंदगी पता नहीं तरजीह देंगे ने या गरीब होंगे ने, इन बारे च क्योंकि थोड़ा तजर्बा तो मेरी शायद उम्र नालों भी ज़्यादा है, तो मैं जरा ये सवाल क्लीयर कर दो। बहुत ही अच्छे लोग भी है, बहुत अच्छा कलाम लिखण वाले भी है, उन्होंने बीबियां भी है ने दो चार जड़ियाँ बहुत ही अच्छा कलाम लिख दिया ने और उन्होंने अपना नाम कमाया, और उन्होंने बंदे भी मौजूद ने कि महफलों के आना वा जाना वा मैं और पूरे पाकिस्तान फिरना वा, तो इस मैं किसी का ना लवागा कि फलाना अच्छा है तो फलाना नहीं, तो फिर वो जरा दोस्तों का दिल दुखेगा और इस तो मैं जरा किसी का ना नहीं लवागा। कंगनपुर भी गए उसे मुशायरे के अंदर, तो हर जगह पर अल्लाह तुम इज्जत ना नवाजते हैं, तो उतों की कोई स्पैशल थोड़ी याद हो तो साढ़े ना शेयर करो। तो लास्ट एक दोस्त उन्हें जरा बदमजगी पैदा की और उस पहले मुशायरा बहुत अच्छा रहा, और खूबी ये वे कि कंगनपुर के सारे ही लोग बैठे रहे आखिर तक, एक भी बंदा उठ के नहीं गया। बहुत ही अच्छा वो मुशायरा रहा, और उत्थे दी जिहड़ी इंतजामिया थी कंगनपुर वालियां दी मुशायरे दी उन्होंने भी बहुत अच्छा इंतजाम किया, सानू सब नू जिहड़ा वेलकम किया, साढ़े सारयां दा इहतराम किया, सानू सारयां नू सुनिया, और उन्होंने उत्थे जिहड़ी फुलां दी बारिश कर दिती, पंडा दियाँ पंडा उन्होंने फुल जड़े वो शायरां ते अदीबां ते वरसाए, और बहुत मज़ा आया। कंगनपुर के नाल फुलां दा भी जिक्र किया है कि वह पंडा दियाँ पंडा तुहाडे ते उन्हां निशावर कर दित्तियां सुट दित्तियां, तो तुहाडा एक शेर भी है यूट्यूब ते लोग बड़ा सुनते हैं पसंद करते हैं, फुलां दी पंड मुबारक। किसी दोस्त की सालगिरह हो फिर मैं वो कहना वा, और मौके दे नाल वेले दी गल वेले दे नाल छोई दी मंगी दी ना दाल महफलों खोई दी, तो वह फिर वक्त दे नाल वो गल कहनी पैंदी है कि फुल्लां दी ए पंड मुबारक, फुल्लां दी ए पंड मुबारक, सालगिरह दी गंढ मुबारक। जिस तरह तुसी ये गल कीती है कि लोग लोगों को शायरी लिखवा लेंदे ने कोई पैसे दे के अपनी इज्जत की खातर या शोहरत की खातर, इनू असीं कहांगे झूठी शोहरत झूठी इज्जत की खातर लोगों को जड़ा है ना वो किसी को बैन करवाना हो ते उन्दे मुड तो ही उन्हों जड़ा है ना ऐसा कर देंदे ने कि वह तबाह बर्बाद होकर रह जाते, इन बारे थोड़ा की ख्याल है? पहले सद या बाद पढ़ा, पहले सद या बाद पढ़ा, मैनू कोई नहीं परवाह।
बोलां ते मैं लैनी है, बोलां ते मैं लैनी है लोकां कोलों वाह जीवा। कोई किसी नूं कुछ नहीं कर सकता, वो शहर जिहड़ा वो शहर ही हुंदा है। महफलां कोई बंदे नूं शहर नहीं बनांदियां, बंदे दे कलाम विच निखार आंदा है, बंदे नूं पता चलदा कि लोग किवें लिखदे ने और नवें नवें ख्याल मिलते ने, नवीं नवीं चीज़ा मिलती हैं। शायरी के अंदर तुसी किनू अपना उस्ताद मानते हो? तीन किताबां लिखण तो बाद मैं उस्ताद फड़िया, वह भी जदों महफलां दे विच मैनू सदर बना दिता जाता सी, मेहमान खसूसी बना दिता जाता सी, ते टैक्नीकल पॉइंट दे नाल टैक्नीकल हवाले दे नाल तनकीद किसी दे करनी हुंदी सी, तो उत्थे फिर मैनू जिहड़ा एहसास हुंदा सी कि मैनू भी उस्ताद जिहड़ा उह फड़ना चाहीदा। और वह पख्तून सन, उन्होंने मैं अपने जिहड़ा कलाम सुनाया, उन्होंने कहा कोई इन्ना फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है। तो मैं फिर 3 महीने उन्होंने कोलों अरूज सीखिया, शायरी दे असूल सीखे। अल्लाह उन्होंने गरी के रहमत करे और जन्नत फरदौस विच आला मुकाम अता करे। उन्होंने नाम सी शमसुल इस्लाम अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह। जिस तरह के शायर अपनी शायरी किसी के नाम कर देंगे, तो अपनी शायरी किन्दे नाम की? अपनी शायरी जी माँ के नाँ की, 2 किताबों फिर अपने बीवी बच्चों के नाँ की है, दुनिया के इंसानों के नाम भी मैं की है। मेरिया 5 किताबा ने और मुताबक मैं जरा करता रहा, मुख्तलिफ हवालिया के नाल जरा मैं वो शायरी ना करता रहा। तो थोड़ा जौक किस तरह का सी, किस तरह के लोगों को तुसी अपनी शायरी के अंदर मुखातब किया है? ज़्यादातर जरा परदेसियाँ ते और परदेस के हवाले शायरी करना। पाकिस्तानी शायर जड़े ने उन्हें मुकाबले तो मैं वेना कि हिंदुस्तान के जड़े शायर ने वो ज़्यादा ने या वो ज़्यादा तवज्जो देंगे ने शायरी वाल। वो जड़ी कौम है जिन्हों का तुम नाम लिया, इंडिया वाले हिंदुस्तान वाले, वो अपने फनकारा दे नाल भी मुखलस ने, वो अपने देश दे नाल भी मुखलस ने, वो अपने दोस्तों के नाल भी मुखलस ने। क्योंकि मैं सिखा दे नाल हिंदुआ दे नाल रहा वा, मैं दुबई इस तों कामयाब ने। जिस तरह साडे मुल्क दे अंदर भी वज़ीर आज़म साहब शहबाज़ शरीफ साहब वो बड़ा जौक रखते हैं शायरी का और शेर पढ़ते भी ने, इहदा मतलब वो शायरां दे नाल प्यार मुहब्बत भी करते हैं? मैनू तो कोई नहीं पता कि साडे वज़ीर आज़म साहब जड़े अदब दे नाल शगफ रखते ने, जिनी उन्होंने जरूरत होंगी उन्ने उन्होंने शेर लोगों के याद किए ने, रटे हुए ने और वो जरूरत के मुताबिक जरा वो अपने जलसों के पढ़ते हैं। जिस तरह तुम अगे गल की है कि फ्री दी मुफ्त दी शायरी और सारा कलाम लोगों का उठा लेंगे ने, अपने नाम के नाल मनसूख कर लेंगे ने, या उन्हों चोरी चोरी लिख लहा के वो अपने नाँ नाल लोगों नूं सुना लेंगे ने। लोग ने वो साडे मुआशरे का नासूर ने, साडे मुआशरे वास्ते, साडे बच्चों वास्ते, साडे इस मुल्क वास्ते नुकसान देने। तो इन्हां मुफ्त खोरां नूं तुसीं की मशवरा दोगे? जी मैं तो इहदी निंदिया ही करांगा, मुफ्त खोरां नूं जिहड़ा मुफ्त खोरी ते नहीं रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जिहड़ा भी शायर दूजा हुंदा है और जिहड़ा चंगा लिखदा, उहनूं कोई रब ने 4 अखां या 4 कन्न या 2 दिल नहीं दिते, वह भी तुहाडे वर्गा इंसान है। तो तुसीं जिहड़ा चोरी दी बजाय जिहड़ा वो अपनी तबा जमाई करो, किसे कोलों सिखो, पुछो, दसो। रब कहिंदा है कि जे तुसीं नहीं जानते तो जिहड़े जानते ने उहनां कोलों पुछो। जी थोड़ी देर सानूं ठहर जाना चाहिए, अजान हो रही है, तो अजान तो बाद इंशाल्लाह फिर गल्लां करने हां।